बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। बेतमा में द रॉयल अंबेडकर फोर्स भीम आर्मी एकता मिशन के कार्यकर्ताओं ने आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 63वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बाबा साहेब को माल्यार्पण कर कैंडल जलाकर बाबा साहेब अम्बेडकर को विनम्र श्रद्धांजलि दी, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने यह प्रण किया कि जो समाज में कुरीतियां फैली हैं उसे खत्म करने का प्रयास करेंगे। वह समाज को बाबा साहेब के विचारों से अवगत कराकर बाबा साहेब के मिशन को उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां बाबा साहेब ले जाना चाहते थे। वहीं बाबा साहेब के अनुयायियों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देपालपुर से दीपक सिंह की रिपोर्ट। बाबा साहेब अम्बेडकर की 63वें परिनिर्वाण दिवस के मौके पर सबने द रॉयल अम्बेडकर फोर्स के सभी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के पास कैंडल जलाकर ये प्रण लिया है कि हम जो ताकतें संविधान के खिलाफ उठ रही हैं, हम बाबा साहब के विचारों को जन जन तक और युवाओं तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आज हम ये प्रण लेते हैं कि हर युवा को बाबा साहब के संविधान के, बाबा साहब के विचारों के, महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों के बारे में हम जब तक हम हमारे सांस चलती रहेगी हम बाबा साहब के विचारों को फैलाते रहेंगे, ये प्रण लिया है। और आज हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारे बीच एक महामानव की कमी हमारे फल रही है, और हम आशा करते हैं कि उनके चरणों के निशानों के पीछे चलें। सभी को जय भीम, जय भीम, जय भीम। आपका नाम? मेरा नाम सोहन सोलंकी है, और हम पिछले 2-3 सालों से बाबा साहब की जो है पुण्यतिथि और उनकी जयंती और बाबा साहब के जितने भी हम बहुजनों के लिए आंदोलन किए हैं उनके जो मुख्य धाराएं हैं उन पे काम करते हैं, और युवाओं को नशा मुक्ति वगैरह जो भी है समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको रोकने के लिए हम छोटे छोटे प्रयास करते रहते हैं और निरंतर ये प्रयास करते रहेंगे।